भाई साहब, ओ माय गॉड। तो यार प्रॉपर जू तो यही पे है भाई यार। ओके तो गाइस यहीं पे अपनी बाइक को चढ़ा देते हैं। मैं क्या भाई साहब, हैवी ड्राइवर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो गाइस यार, अभी मैं हूँ सैन एंड्रियास में और अभी बज रहे शाम के 5:30 बज रहे, 5:30 या 6 बज रहे, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं है। एंड हाँ यार गाइस, आज का दिन बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा वाला लकी रहा है मेरे लिए। मतलब कि आज तुम्हारे भाई ने पूरे शहर में रोल्स रॉयस चलाई। मतलब कि यार, एक बार के लिए ना सब मुझे ऐसे ऐसे देख रहे थे कि जैसे कोई कैसा कोई अमीर बंदा आ गया हो यार। जैसे कि यार गुजरात में शाहरुख खान आ जाए ना, तब भी कोई ऐसे नया देखे, इस तरह से मेरे को देख रहे थे यार। मतलब कि काफ़ी बढ़िया वाली फीलिंग आ रही थी। एंड मैं क्या कह रहा हूँ आप सभी को जी, और अभी यार कल मेरा यहाँ पर लास्ट डे है। मतलब कि मैं यहाँ से चले जाने वाला हूँ अपने घर, यानी कि घर तो नहीं जाने वाला। अभी तो अपन को पूरा देश घूमना है। मतलब कि पूरा देश क्या कहते हूँ मैं, पूरी दुनिया घूमनी है। इसलिए अभी मैं घर नहीं जाने वाला। अभी मैं जाने वाला एक स्पेशल सी जगह है वहाँ पर। एंड क्या कहते हैं, एंड हाँ, आज के दिन नहीं बल्कि आज हम देखने जाने वाले एक सनसेट। एंड क्या कहते हैं, कल कल मैं देखने जाने वाला हूँ यहाँ का एक फेमस जू है, जो कि इधर जिनकी रोल्स रॉयस थी उन्होंने मुझे बताया था। अभी पता नहीं मैं इतना क्यों पका रहा हूँ, चलो सीधा तुम्हें बाहर ही मिलता हूँ। ओके गाइस, तो यार अभी सनसेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। एंड ये चाचा यहाँ पे क्या बनाते हैं मेरे को नहीं पता, मैं अभी इनसे पूछ लेता हूँ क्या है। बायोनिक क्लॉथिंग शॉप। ओके, तो ये क्लॉथिंग शॉप है। मुझे कपड़े नहीं खरीदने चाचा, मेरे पास काफ़ी सारे। और क्या कहते हैं, हाँ अभी ये चाचा कह रहे हैं कि इनकी बाइक लेकर मैं जा सकता हूँ। और ये काफ़ी यार बढ़िया लोग हैं। मतलब कि इनकी वजह से मेरा किराया बच गया है यहाँ का, वरना मेरे अभी तक का टोटल खर्चा हो चुका है, तुम लोग समझ गिन के रख लो कि 64 या फिर समथिंग। एंड अभी मैं ये वाइट वाली बाइक लेकर जाने वाला हूँ, चाचा ने मुझे परमिशन दे दी है इसीलिए। एंड यार अभी मैं हेलमेट नहीं पहनने वाला हूँ। अभी तुम लोग मुझे गाली दे सकते हो कमेंट में, बट क्या करूँ यार। ये चाचा कह रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा पंगा नहीं है पुलिस पुलिस का, पुलिस डरती है राइडर्स से। ओके, तो अभी मैं गो प्रो माउंट तो अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को या नहीं लग रहा है मुझे बताओ। अभी क्या कहते हैं, बाइक ठीक ठाक दिखने में, मुझे लगा कि यार बढ़िया सी होगी, बट मुझे कुछ सामने का ठीक से दिख नहीं पा रहा है। एंड अभी मैं चला कैसे रहा हूँ, वो भाई तो काफ़ी बढ़िया बाइक है, मुझे चलाने में मज़ा आ रहा है और साउंड भी ठीक ठाक ही है। मतलब कि कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है और बाइक है इसलिए मैं कहीं से भी मोड़ सकता हूँ। मतलब कि वो कल तो बड़ा सा हाथी लेकर घूम रहा था ना, पता भी नहीं यार क्या कहाँ पर घुसा हो सकता हूँ, नहीं घुसा सकता कहीं पे भी। और अभी यार पता नहीं मैं कौन सी जगह पे आ चुका हूँ, बट मुझे सामने ब्रिज पे जाना है। ब्रिज पे ही मैं क्यों जा रहा हूँ बार बार वो भी बताता हूँ, क्योंकि यार आज देखो वहाँ पे सनसेट देखने के लिए मेरे को जाना है और मैं वो देख कर ही रहूँगा, वो तो आप सभी को पता ही है। अभी यहाँ से एक छोटे से यहीं पे ही छे देखो सनसेट देखने का है ना, तो तुम्हें यहीं से देख सकता है। अदरवाइज सामने वाला ब्रिज है वहाँ पर, तो यार चॉइस तुम्हारी है कहाँ से देखना चाहते हो। एंड ये वाला ब्रिज भी अच्छा है, बट मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा वो सामने वाला ब्रिज, क्योंकि यार उसकी हाइट काफ़ी हद तक बड़ी है। एंड वो ब्रिज मुझे पर्सनली पसंद है इसीलिए। बट यार इतना आगे आगे मत घूमूँ मैं, ना ही घूमूँ तो बढ़िया रहेगा, वरना फिर रास्ता मुझे पता नहीं है एंड कहीं घूम गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएगी। ओके तो गाइस यहीं पे अपनी बाइक को चढ़ा देते हैं। मैं क्या भाई साहब, हैवी ओए ड्राइवर। हैवी ड्राइवर ओए। ओके, चढ़ चुकी है मेरी प्यारी बाइक। यार अंकल की बाइक काफ़ी काफ़ी बढ़िया वाली है यार, मेरा दिल आ चुका है इस बाइक पर भी। अब आप कहोगे यार कितनी चीज़ों पे दिल आएगा तेरा, पहले रोल्स रॉयस, फिर वो छोटी कार, अब ये बाइक भी, मतलब यहाँ का ही सब कुछ ले ले, यहाँ की एक कुड़ी भी पसंद कर ले भाई।
देखो कुड़ी वाली बात मैंने जानबूझ के जोड़ी क्योंकि तुम लोग नहीं बोलने वाले थे, और मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता यार, मेरी भी शादी होनी चाहिए ना, है ना? ठीक है अभी यार यहीं से सनसेट इंजॉय करता हूँ, तब तक के लिए तुम लोग वेट करो। ओ भाई साहब, तो यार जैसा मैंने सोचा था वैसा ही। देखो यार कितना प्यारा सन लग रहा है डूबते हुए, मतलब कि काफ़ी कूल लग रहा है। एंड अभी तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ क्योंकि बाइक अलाउड नहीं है इसीलिए। और यार ओ माय गॉड यार, काफ़ी प्यारी चीज़ लग रही है, देख रहे हो तुम। एंड अभी यार रात के 7 बज चुके हैं, एंड मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, घर के लिए नहीं यानी कि अपने हॉस्टल के लिए। एंड मैं फिर तुम्हें बाइक पे ही मिलता हूँ सीधे। ओके गाइस, तो यार बाइक मैंने स्टार्ट कर ली है, और पता नहीं मैं इतनी स्लो स्लो क्यों चला रहा हूँ, अभी स्पीड बढ़ा देता हूँ। ओके चल चल, अभी यार बाइक पता नहीं क्यों इतनी स्लो चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके ओके, बाइक का आई थिंक फ्यूल ख़त्म होने वाला है। अंकल तो कह रहे थे ये कोई स्पेशल बाइक है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, आई डोंट नो, बट ऐसा क्यों हो रहा है। ओके मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं बाइक की स्पीड ठीक ठाक ही है अभी तो। और यार इस तरह के एंगल तुम्हें पसंद है या फिर वो वाला एंगल जिसमें मैं मर गया मर गया मर गया, बाइक ठोक देता भी मैं यार, अपनी है भी नहीं और ठोक जाती तो और अलग पंगा। अंकल को क्या जवाब देता कि अपने सब्सक्राइबर के लिए आपकी बाइक कुर्बान कर दी, अंकल कहते तो फिर तू भी कुर्बान हो जा। वैसे तो मैं कुर्बान ही हूँ आप सभी पर, फिर भी। ओके तो अभी सीन हो चुका है, मतलब कि मैंने रास्ता भूल चुका हूँ, शायद से वो वाला व्लॉग डालूँगा, कौन सा कहते हैं उसे, मैं नाम भूल चुका हूँ, हाँ एयरपोर्ट वाला, क्योंकि सेकेंड टाइम यहाँ पे मुझे मना किया था शूटिंग के लिए, तो मैं इस बार कोई पंगा नहीं लेना चाहता हूँ। और अभी रास्ता मुझे पता नहीं इसलिए मैं देख देख कर ही बाइक चला रहा हूँ, और सनसेट भी हो ही चुका है गाइस। तो यार देखते ही देखते रात हो चुकी है, मतलब कि अंधेरा हो चुका है, 7 बज चुके हैं, और अभी तक मुझे वो पता नहीं वो घर नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ जाऊँ यार, अभी मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। ओके गाइस, तो यार अभी आई थिंक मुझे इस ब्रिज के आसपास ही मेरा घर है। ओके तो मेरा घर मिल चुका है, मेरा घर मिल चुका है भाई साहब। ओ भाई यहाँ के आस पड़ोस वाले बंदे, ओए मैं ठोक दूंगा बाइक को गंदे वाली, और अंकल सोचे कि भाई साहब ये कैसा किराएदार मिला भी। यार बाइक को यहीं लगा देता हूँ, अंकल को कह देता हूँ। ओके तो बाइक को मैंने लगा दी है ठीक ठाक तरीके से। ओए अंकल जी, के अंकल का वही प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, तो यार अभी ना मैं तुम्हें सुबह ही मिलूँगा, बिकॉज ऑफ रीज़न के यार मुझे अभी सो जाना है, एंड क्या कहते हैं अभी सो जाता हूँ मैं जाकर, और कल सुबह जाएंगे अपन क्या देखने, जू देखने। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो यार मैं उस सुबह 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 उठ चुका हूँ, एंड क्या कहते हैं अभी यार मैं देखने जाने वाला हूँ जू को, मतलब कि आज मैं भी जू देखने लूँगा। मतलब कि यार मैंने गुजरात में काफ़ी सारे पशु पक्षी देखे, बट यार ये यहाँ पे जू का कुछ अलग ही सीन है, कह रहे डॉल्फिन्स है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपने भी नहीं देखी होगी शायद से मेरी तरह। तो गाइज यार आप भी मेरे साथ चलो, देखते हैं हम क्या सा क्या है नहीं, ठीक है। मतलब कि यार गाइज मैंने इनसे पूछा कि सर मुझे आज इस तरह से थोड़ा बहुत जू देखने जाना है, मतलब कि इनको पता ही है कि यार मुझे जाना है। एंड यहाँ गाइस एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है यार, यहाँ के प्रेसिडेंट के साथ कुछ लफड़े हुए हैं पब्लिक के, इसी चक्कर में जू बंद है, मतलब कि वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह नहीं है, और क्या कहते हैं आज के दिन भी यहाँ पर घूमना अलाउड नहीं है, बट थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं, क्या कहना है ऐसे फिर कर कर डर डर कर जी कर भी। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, और बाइक यार ये अंकल वाली काफ़ी कूल है, मतलब चलती भी प्यार से है। आई थिंक मुझे किस ओर जाना है, मुझे रास्ता नहीं पर मालूम है, मुझे मालूम नहीं है, मालूम नहीं यहाँ, आई थिंक मुझे इधर ही चलना चाहिए। ये ब्रिज ही देखो, ये ब्रिज है ना ये सबसे बढ़िया चीज़ है, मतलब कि ये पूरी सिटी को कनेक्ट करके रखता है, एंड क्या कहते हैं। हाँ गाइस, और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि
यार आपको वो वाला ब्लॉग चाहिए जिसमें मैं गुजरात, गुजरात तो नहीं, मैं दूसरी और सिटी घूमने जाने वाला हूँ अभी तो गुजरात फिर कभी, बट क्या कहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप सभी लोग क्या चाहते हो कि मैं, यानी कि आपका भाई वो वाली क्या बोलता हूँ, मैं नाम भूल चुका हूँ, आयराम, ऐसे कैसे व्लॉगिंग चैनल चलेगी, क्या कहते हैं, मना भाई साहब नाम भूल चुका हूँ। ओके हाँ, मैं एक ये कह रहा हूँ कि मैं वो एयरपोर्ट वाला सेकंड वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ यार। देखो मेरा मन तो कर रहा है कि यहाँ पे क्या क्या कायदे कानून है, ओके आई थिंक यही वो जगह है, बट यहाँ की पार्किंग ढूंढता हूँ, बाइक बाइक को यहीं पे लगा देता हूँ। और एंड आप में से काफ़ी लोग मुझे ये कहने वाले होंगे कि भाई तूने हेलमेट नहीं पहना है, ना ही कोई राइडिंग गियर्स। यार देखो पहली बात मुझे उन सभी की आदत नहीं है, एंड सेकंड कि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ऐसी कोई चीज़ें, अगर मैं पहन भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब कि फ़र्क पड़ता है काफ़ी, बट ठीक है यार अभी इतना भी नहीं, अभी बाइक को ना मैं यहीं पे लगा देता हूँ। वैसे भी आज तो कोई यहाँ पे आने वाला नहीं है इसीलिए, और गाइस ये है वो जो कल रोल्स रॉयस आई थी ना, उनके मालिक की कंपनी, मतलब कि यहाँ रोल्स रॉयस तो नहीं बनती, यहाँ पे कुछ और चीज़ें बनती है, मुझे पता नहीं क्या बनता है बट बनता है। एंड यही साइड में जू बना रखे इतने छोटे, मतलब ये क्या मजाक करने के लिए बुलाया मेरे को क्या? अभी यार देखो फैक्ट्री के दर्शन कर ले थे, देखो मेरे अंदर से फैक्ट्री अभी बंद होनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन यहाँ के प्रेसिडेंट के कोई लोचा लफड़ा चल रहा है वो तो मैंने बताया ही था, और इसी की वजह से यहाँ के पब्लिक को थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, पता नहीं ये फैक्ट्री किस चीज़ की है, काफ़ी चीज़ें हैं। ओ भाई साहब ये कुछ अच्छा है, ये कोई डेकोरेशन के सामान बनाते होंगे, ओ माय गॉड ये तो लावा है भाई साहब, वार्निंग हॉट प्लेस मुझे लगा ही था, खैर छोड़ो। एंड हाँ अभी क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई स्टाफ या कोई है नहीं, और वो अंकल मुझे थोड़ी देर पहले आकर मिल चुके हैं, और वो मैंने ऑफ कैमरा बात की थी क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको मैं ऑन कैमरा दिखा दूँ, एंड यहाँ की पब्लिक या फिर गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं दिखा सकता। आप सभी में से किसी को, एंड क्या कहते हैं, अभी उन्होंने सब कुछ ये क्या कहते हैं जू उन्होंने खोल दिया मेरे लिए, बट मुझे लगता है इतना इतना छोटी सी जगह के कोई $200 नहीं दे सकते भाई, देखते। ओके वाह यार ये तो एक्वेरियम है, काफ़ी सारी फिश है यहाँ पर, गुड है बट। अच्छा वो अंकल कह रहे थे यहाँ पे एक लिफ्ट है वहीं पे जाकर खड़े हो जाइयो फिर तुम्हें एक मैजिक दिखेगा, तो आई थिंक यही लिफ्ट है। ओके चलते हैं। ओके तो ये लिफ्ट तो नीचे की ओर आ चुकी, वो भाई साहब ओ माय गॉड, तो यार प्रॉपर जू तो यहीं पे है भाई यार, मतलब अंकल की जय हो भाई साहब, जय हो अंकल जी, जय हो, मतलब कि अंकल की जय हो, जय हो जय हो यार, इतना बढ़िया जू, मतलब जू है कि क्या ही बात कर लूँ। और यहाँ पे सारे रेयरेस्ट स्पीशीज के भी जीव जंतु है, और एंड नॉर्मल भी है, एंड थोड़े बहुत आदि मानव वक्त के भी है, एंड क्या कहते हैं थोड़े बहुत रोबोट्स भी है, मतलब कि उन अंकल ने मुझे सच्ची सच्ची बता दी यार थोड़े बहुत रोबोट्स है थोड़े बहुत ओरिजिनल है, बट कोई भी हो मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को चाहिए मैं झंपू, ओए होए क्या बढ़िया सी चीज़ मिल गई यार, इतने दिन घुमा हूँ बट मुझे आज पहली बार ऐसी खुशी हो रही है क्या बताओ। एंड गाइस अभी चलो फिर एक्सप्लोर कर ही लेते हैं, तो अभी अपन ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है चलो 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 यार। तो स्टार्टिंग में हमको दिख जाते हैं ये प्यारे प्यारे पिग्स, और एंड हाँ गाइस मुझे अंकल ने साफ मना किया है कि इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं खिलाना है, चाहे कितना भी मासूम सा चेहरा दिखाए बट मुझे इन्हें कुछ नहीं खिलाना है। देखो यार इतने प्यार से मत देखो, सच्ची में कुछ खिला दूंगा यार, ओए अंकल ने मना किया मैं चलता हूँ। और यहाँ पर है रेयरेस्ट काउ मशरूम का हाउस, एंड हाँ गाइस अभी ये थोड़ा बहुत अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि
काम चल रहा है। आप सभी इन सभी चीज़ों की हालत देखकर समझ ही सकते हो, ये मशरूम का हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। एंड यहाँ पर ये क्या है, हाँ ये और कोई और काउस है, और यहाँ पर क्या है, टर्टल्स। ओके तो यार देख सकते हो कितनी ह्यूज साइज है इनकी। ओ भाई इतने बड़े टर्टल्स मैंने आज तक नहीं देखे जिंदगी में। ओ भाई उसने छलांग लगा दी। अरे चचा हेलो, काफ़ी बढ़िया सा चीज़ है। एंड हाँ ये क्या है भी, ओके ये रोबोट है, आयरन आयरन कुछ करके है, बताए पता नहीं। ओए सामने देखियो, मेरे सामने ही नहीं दिख रहा। वही दिखा दिखा दिखा, वही दिखा, वही देख, वही ठीक है। एंड ये है हमारी गोट्स। हाँ ये तो मैं गुजरात में हाल ही में रोज ही देखता हूँ, बट इसमें कुछ खास तो नहीं है, बट ठीक है यार है तो अभी चलता है। एंड ये वाह यार इतनी कलरफुल शिप्स, मतलब ये मैंने वाइट देखी है, ब्लैक देखी है, उससे ज़्यादा तो मैंने नहीं देखी, बट यहाँ तो काफ़ी कलर है, फुल है। एंड यार ये ग्लास का भी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है, मतलब एकदम से पास जाकर देखो तो ऐसा ही लगता है कि तुम इसके सामने ही खड़े हो, पर थोड़ा बहुत तो तुम हिलो या फिर ऐसा कुछ तो फिर खत्म मज़ा। एंड गाइस अभी आ जाते हैं आप। ओ माय गॉड यहाँ पर क्या है बे, डॉल्फिन्स। पर डॉल्फिन तो ओके, हाँ अंकल कह रहे थे यार डॉल्फिन कुछ आने वाली है, बट कुछ लफड़े की वजह से शायद ना पाए। और ये क्या है भी, ग्लोइंग स्क्विड आई थिंक ये है। ओके काफ़ी बढ़िया है यार ये डांस कर रहे हैं आई थिंक यार। ओ माय गॉड यार कूल है, एपिक चीज़ है, मतलब मुझे पसंद आई यार, पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आई। एंड अभी सामने, एंड हाँ ये थोड़ी बहुत ज़मीन गर्म है, यहाँ से जाने ते जाते ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यार ये फैक्ट्री की जमीन हो भाई साहब, मुझे सच में गर्म लग रही। ओ माँ भाई गॉड 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 गॉड। और यार इतने सारे पैरोट्स, वो भी देखो मकाओ है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया ब्रीड से, देखो ब्रीड वाले वो देखो मकाओ मकाओ। ओके ब्लू पैरोट काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉर्स है। मैं अंदर नहीं जा सकता, शिट। ओके तो हॉर्स भी है यहाँ पर, बट हॉर्स तो हमारे घर के आसपास भी है, काफ़ी है इतना तो मेरे लिए। एंड ये क्या है, अच्छा डॉग्स है, हेलो। कितने तीन चार डॉग है यहाँ पर, बढ़िया है, काफ़ी कूल से लग रहे हैं, मतलब मुझे पसंद आए, 10 out of 10। और यार क्यूटी क्यूटी ब्यूटी पांडा, ओ माय गॉड कितने प्यारे हैं वो यार। और तो गाइस यार क्या कहते हैं, मैं इसका आउट्रो शूट करना भूल चुका था, मतलब कि आप समझ सकते हो मैं आउट्रो शूट किया था, बट उसका ऑडियो गायब हो गया, मतलब कुछ पता नहीं चला यार, शायद से उस पांडा ने कुछ हरकत की होगी, साले मेरे सामने से आया कि मेरी हालत टाइट हो गई। कोई बात नहीं यार, अब क्या करना है तुम्हें पता ही है, तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू गाइस 100 सब्सक्राइबर्स के लिए, पता नहीं ये वीडियो कब आएगी कब नहीं, बट 100 सब्सक्राइबर उस टाइम तक